साथियों नमस्कार। प्रतीक चौधरी एडवोकेट चौधरी लीगल एसोसिएट से आप लोगों के बीच में हूँ। आप लोगों का प्यार दिन प्रतिदिन मिल रहा है, दिन प्रतिदिन हमारा परिवार बढ़ता जा रहा है। आपको इसकी हार्दिक बधाइयाँ। हमने 5,000 जो हमारे सब्सक्राइबर थे उसको क्रॉस कर लिया है, इसके लिए आप सबको बधाइयाँ। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर वीडियो लेकर के आए हैं, जिसका टॉपिक ऐसा है जो आप लोग, कई मेरे सब्सक्राइबर मुझे लिख रहे थे, कई सब्सक्राइबर मुझसे पूछ रहे थे कि सर सड़क बन रही है हमारे यहाँ पर, सड़क की गुणवत्ता ख़राब है, ठेकेदार जो मटेरियल लगा रहे हैं वो मटेरियल अच्छा नहीं है, मटेरियल बहुत ख़राब है, ऐसे में क्या करूँ। तो कई लोगों ने मुझसे पूछा कि क्या RTI के जरिए हम इसमें कुछ कर सकते हैं, क्या RTI के जरिए हम उस जो सामग्री जो सड़क निर्माण में लगाई जा रही है क्या उसका नमूना ले सकते हैं। आज इसी बारे में बात करने के लिए हम लोग आए हैं। आज आपके लिए मैं एक प्रॉपर सोल्यूशन लेकर के आया हूँ, जिसके बाद आप लोग सड़क निर्माण आपके आस पड़ोस में कहीं भी हो रहा है उसकी सामग्री को RTI के तहत एज ए सैंपल मांग पाएंगे, ले पाएंगे। तो आज का वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, बने रहिए हमारे साथ। वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपने जो मेरे सब्सक्राइबर हैं उनसे रिक्वेस्ट कर दूँ, जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मेरे डेली अपडेट्स आप लोगों को तुरंत मिलें, तत्काल रूप से मिलें, ऐसा मैं चाहता हूँ। आप लोग भी कॉपरेट करें, सब्सक्राइब करें, और जो नए व्यूवर्स हैं वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप लोग वीडियो पे लगातार बने रहें और पूरा वीडियो देखें, बीच में से वीडियो को ना छोड़ें। बहुत से लोग टाइटल देख करके और फिर लास्ट में क्वेश्चन पूछते हैं, तो वो क्वेश्चन का जवाब दे पाना संभव नहीं हो पाता, क्योंकि आपके जो भी सवाल, जो भी क्वायरीज होते हैं उनके हम सोल्यूशन ऑलरेडी वीडियो में दे चुके होते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। कई बार ये देखा गया कि आपके घर के सामने, आपके पड़ोस में, आपके गाँव में, आपके एरिया में कहीं भी सड़क निर्माण हो रहा है, सड़क आपकी सीमेंटेड CC रोड बनाई जा रही है, आपकी सड़क जो है वो इंटरलॉकिंग ईट वाली सड़क बनाई जा रही है जो आजकल सीमेंटेड है, आपकी तारकोल और जो गिट्टी रोड़ी जो होती है उसकी सड़क बनाई जा रही है, आपके गांव की कहीं की भी कोई भी सड़क बनाई जा रही है, नाली निर्माण हो रहा है, सड़क निर्माण हो रहा है, कोई भी पार्क निर्माण हो रहा है, किसी भी तरीके का कोई भी सरकारी निर्माण, सरकारी भवन जो हैं उनकी उनके निर्माण हो रहे हैं, स्कूल बनाए जा रहे हैं, कोई सरकारी दफ्तर कार्यालय बनाए जा रहे हैं, और आपके मन में सवाल आता है, आप देखते हैं अरे ये इसका निर्माण, इसका जो मटेरियल है, इसका मटेरियल तो बड़ा घटिया है, सीमेंट बहुत कम डाला गया, तारकोल बहुत कम डाला गया, या जो निर्माण की जो सामग्री है बहुत कम अनुपात में डाली गई, और आपको लगता है इसकी गुणवत्ता कहीं ना कहीं प्रभावित हो रही है, और ये सड़क है या भवन है या कोई बिल्डिंग है या पार्क है, अगर वो इस मटेरियल से बनेगा तो वो चल नहीं पाएगा, क्योंकि इसका मटेरियल जो है बहुत घटिया है। ऐसे में आप लोग सोचते हैं कि क्या इसका मटेरियल का सैंपल हम लोग RTI से ले सकते हैं? जी हाँ, आप इस मटेरियल के सैंपल को भी RTI से ले सकते हैं। RTI में इसका स्पष्ट रूप से प्रावधान दिया गया है। मैं आप लोगों को अवगत करा दूँ, RTI की धारा 2 बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, जो केवल ये बताता है कि RTI की सूचना लेने की जो प्रोसेस है उसमें सूचना में क्या क्या चीजें आएंगी जिनकी आप सूचना ले सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, उसका सेक्शन है 2I, सेक्शन 2 का सब सेक्शन I है। उस I में बहुत सारी चीजें बताई गई हैं, लेकिन वहां पर सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज बताई गई, सबसे बेसिक, सबसे मेन जो चीज बताई गई, जो आज के हमारे वीडियो की थीम है, जो हमारे वीडियो की जान है, वहां पे स्पेसिफिक रूप से ये बताया गया है कि आप सेक्शन 2 I में जाकर के जो विभाग निर्माण करा रहा है, PWD है, सड़क निर्माण करा रहा है, या कोई भी विभाग है, कोई नगर निगम है, नगर निकाय है, कोई भी ग्राम पंचायत है, वो गली सड़क या कोई पार्क या कोई सरकारी भवन, स्कूल या कोई भी सरकारी कार्यालय बना रहे हैं, तो जो भी संस्था उसको बना रही है, उसका निर्माण कर रही है, उसके जनसूचना अधिकारी के नाम आप एक आवेदन देंगे, संबंधित शुल्क जो होगा पोस्टल ऑर्डर से चुकाएंगे, और उनको लिखेंगे कि आपको लगता है कि इसका शुल्क अगर ज़्यादा है तो आप हमें अवगत कराएं, हम ज़्यादा शुल्क देने के लिए भी तैयार हैं, और संबंधित जो सामग्री जिससे निर्माण किया जा रहा है, जो निर्माण सामग्री है उसकी एक सैंपल आप हमें दें। जब आप जनसूचना अधिकारी को अपना आवेदन, सामग्री लेने का उसमें वर्णन लिखेंगे, आवेदन देंगे, उसका शुल्क IPO के जरिए या चेक के जरिए, ड्राफ्ट के जरिए चुका देंगे, तो जो जनसूचना अधिकारी है वो बाध्य होगा उस कंडीशन में आपको उस मटेरियल का सैंपल देने के लिए। तो आपके आसपास कभी भी ऐसा हो रहा है, आपको लग रहा है कि मटेरियल बहुत घटिया क्वालिटी का है, चलेगा नहीं, सड़क टूट जाएगी, पुल टूट जाएगा, बिल्डिंग टूट जाएगी, बिल्डिंग का प्लास्टर झड़ जाएगा, तो उस कंडीशन में आप इस RTI के सेक्शन 2I में जा करके
उस जो सेम जो जो मटेरियल जो लगाया जा रहा है, जो सामग्री लगाई जा रही है, निर्माण सामग्री जिसको बोलते हैं, उसका सैंपल आप लोग मांग सकते हैं और उस सैंपल की जांच किसी भी सरकारी या गैर सरकारी लैब में करा सकते हैं। और आप अगर ये पाते हैं, लैब की रिपोर्ट अगर ये आती है कि सामग्री जो थी वो घटिया क्वालिटी की थी, तो आप उस सामग्री की लैब टेस्टिंग की जो रिपोर्ट है उसको लेकर के संबंधित न्यायालय या संबंधित पुलिस स्टेशन में जाकर के उसकी FIR भी उन लोगों के खिलाफ दर्ज करवा सकते हैं, घटिया निर्माण सामग्री को लेकर के। तो आज के वीडियो में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। आपकी जो भी क्वायरीज, जो भी सवाल आपके हैं, मैं इनवाइट करता हूँ, अपनी क्वायरीज आप मुझसे पूछिए, अपने सवाल आप मुझे भेजिए, हम पूरी कोशिश करेंगे आपके लिए समाधान देने की। आज के वीडियो में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ चौधरी लीगल एसोसिएट्स पर। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।